आज हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। आ रिलेशनशिप में कंसिस्ट ऑफ मैनी एंटिटीज़। एक रिलेशनशिप में हमारे पास जो है वो बहुत सारी एंटिटीज़ हो सकती हैं। द नंबर ऑफ एंटिटीज़ इन आ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड डिग्री। वो कह रहे हैं कि जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज़ हमारे पास होंगी, हम कहेंगे हमारे पास उतनी रिलेशनशिप की डिग्री है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है वो एंटिटीज़ पे बेस करती है कि कितनी एंटिटीज़ जो हैं वो इस रिलेशनशिप में हिस्सा ले रही हैं। द रिलेशनशिप ऑफ डिग्री टू आर मोस्ट कॉमन आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। जो दो एंटिटीज़ के दरमियान होगा उसको हम कहेंगे ये बाइनरी रिलेशनशिप है। द टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट ऑफ डिग्री आर एज फॉलोज। नंबर वन, यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप एंड टर्नरी रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी का मतलब होता है वन। यूनरी रिलेशनशिप इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज़ एस्टैब्लिश बिटवीन द इंस्टांसिस ऑफ सेम एंटिटी टाइप। यानी उसी एंटिटी के साथ उसका रिलेशनशिप अगर होगा तो वो होगा यूनरी रिलेशन। ये एंटिटी एक ही है, उसी का रिलेशनशिप अपने साथ जो है वो यूनरी रिलेशनशिप कहलाएगा। दिस रिलेशनशिप इज़ आल्सो नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप। इसको हम रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। यूनरी रिलेशनशिप जैसे पर्सन लिव्स विद, यानी पर्सन का अपने ही साथ जो है वो रिलेशन जो है। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट अ पर्सन लिव्स विद एन अदर पर्सन। ये पर्सन का ही पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो है वो यूनरी रिलेशनशिप है। द टीचर works with the above relationship means that teacher works with another teacher। यानी एक teacher उस teacher के साथ ही काम कर रहे हैं। यानी teacher entity तो एक ही है, उसी entity के साथ उसका relationship जो है वो unary relationship कहलाता है। binary, जैसे word binary आता है it means two। binary relationship exists between the instances of two entity types। different type of relationships are as follows। यानी जब two entity types के दरमियान relationship होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो binary relationship है। इसके अंदर अब categories आ जाती हैं हमारे पास। पहला relationship जो है वो one to one relationship है। this type of relationship is used when for each instance in first entity class there is only one instance in the second entity class and for each instance in second entity class there is only one instance in the first। यानी first से अगर second की तरफ देखें, first से second की तरफ देखें तो एक entity class में से एक एंटिटी क्लास जो है वो दूसरी एंटिटी क्लास के एक ही इंस्टेंस के साथ जो है वो रिलेट करे। यानी हर एक फर्स्ट एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस सेकंड एंटिटी क्लास के एक इंस्टेंस के साथ जो है वो रिलेट करे और इसी तरह सेकंड एंटिटी क्लास का फर्स्ट एंटिटी क्लास के साथ रिलेट करे तो ये वन टू वन रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे कार कंपनी है, कार मॉडल है, एक कार कंपनी है उसने एक मॉडल वन टू वन, वन कार कंपनी वन मॉडल, तो वन टू वन रिलेशनशिप जो है ये हो गया। फॉर एग्जांपल चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन हो सकता है तो दैट इज़ वन टू वन रिलेशनशिप। एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है तो दैट इज़ वन टू वन रिलेशनशिप। एक ब्रांच का एक मैनेजर हो सकता है तो मैनेजर मैनेजेस ब्रांच, दैट इज़ वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूज वन फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसिस इन सेकेंड एंटिटी क्लास। फर्स्ट में से एक इंस्टेंस है और सेकेंड एंटिटी के मैनी इंस्टेंसिस के साथ जो है वो रिलेशनशिप है। और इसी तरह अगर ऑपोजिट वे में देखा जाए, फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंस इन फर्स्ट, यानी सेकेंड एंटिटी का जो है वो फर्स्ट एंटिटी क्लास में से वन इंस्टेंस के साथ जो है वो रिलेशनशिप हो। तो जैसे वन टू मैनी, वन डॉक्टर कैन सी मैनी पेशेंट्स, तो मैनी को हम क्रोफुट के साथ जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डॉक्टर के साथ वन हो गया और पेशेंट के साथ मैनी हो गया, तो ये क्या हो गया, वन टू मैनी रिलेशनशिप।
और एग्जांपल्स इसकी हैं, जैसे एक स्टेट है, एक स्टेट वन स्टेट हैज सिटी, एक स्टेट के अंदर बहुत सारे सिटीज हो सकते हैं। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन स्टेट कैन हैव मैनी सिटीज बट वन सिटी इज़ बिलोंग टू ओनली वन स्टेट, यानी एक स्टेट के बहुत सारे सिटीज़ हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ एक ही स्टेट के साथ जो है वो रिलेट होंगे। इसी तरह से कॉलेज हैज़ डिपार्टमेंट, एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो एक ही कॉलेज का जो है वो हिस्सा होंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इम्प्लॉयज़ इम्प्लॉय, यानी कि अबव रिलेशनशिप दैट वन एम्प्लॉयर कैन इम्प्लॉय मैनी इम्प्लॉयज़, यानी बहुत सारे इम्प्लॉयज़ को जो है वो फैसिलिटेट करता है, बट वन एम्प्लॉय इज़ इम्प्लॉयड बाई ओनली वन एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये है कि वन टू मैनी पहली फर्स्ट फर्स्ट एंटिटी क्लास में से के की का एक इंस्टेंस और सेकंड एंटिटी क्लास के मैनी इंस्टेंसेस के साथ जब वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है तो दैट इज़ कॉल्ड वन टू मैनी रिलेशनशिप। थर्ड है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी का मतलब होता है कि फर्स्ट एंटिटी की भी मैनी इंस्टांसिस हों, सेकेंड एंटिटी की भी मैनी इंस्टांसिस हों। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूज वेन फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसिस इन सेकेंड एंटिटी क्लास, यानी पहली एंटिटी क्लास में से मैनी इंस्टेंसिस सेकेंड एंटिटी क्लास के मैनी इंस्टेंसिस के साथ मिले तो देयर कैन बी मैनी इंस्टेंसिस। और इसी तरह अपोजिट वे में देखा था कि ईच इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देयर मे बी मैनी इंस्टेंसिस इन फर्स्ट, यानी दोनों वे से अगर देखा जाए तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश होता है। जैसे एक बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास कोर्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की एग्जाम्पल है। और इसकी एग्जाम्पल कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स स्टडीज़ कोर्सेज, यानी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे वन कोर्स वन स्टूडेंट मे स्टडी मैनी कोर्सेज एंड वन कोर्स मे बी स्टडीड बाय मैनी कोर्स, यानी दोनों वे से अगर देखा जाए तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो बनता है। एम्प्लॉय लर्न स्किल, यानी एक एम्प्लॉय के पास बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं और बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ पास हो सकती हैं। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन एम्प्लॉय कैन लर्न मैनी स्किल्स एंड वन स्किल कैन बी लर्न बाय मैनी एम्प्लॉयज़। रीडर रीड बुक्स, यानी एक रीडर जो है वो बहुत सारी किताबें पढ़ सकता है और एक किताब जो है वो बहुत सारे रीडर्स पढ़ सकते हैं। द अबव रिलेशन मीन्स दैट वन रीडर कैन मे रीड मैनी बुक्स एंड वन बुक मे बी रीड बाय many readers। नेक्स्ट है हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी होता है जब हमारे पास थ्री एंटिटी टाइप्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। टर्नरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द इंस्टांसिस ऑफ थ्री एंटिटी टाइप्स, यानी उसमें थ्री एंटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं। जैसा कि हमारे पास है कंसल्टेंट साइन क्लाइंट, यानी कंसल्टेंट है कोई भी है वो साइन करता है किसी भी क्लाइंट को, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसके अंदर जो है वो शामिल होता है। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन और मैनी कंसल्टेंट्स विद वन ऑफ मैनी क्लाइंट साइन वन और मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी एक कंसल्टेंट जो है वो बहुत सारे क्लाइंट से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो है वो कंसल्ट कर सकता है, उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है। जैसे एनालिस्ट वर्क ऑन वर्क्स ऑन प्रोग्रामर एंड प्रोजेक्ट, एनालिस्ट बहुत सारे एनालिस्ट बहुत सारे प्रोग्रामर्स के साथ मिलकर वर्क कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्रामर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन और मैनी एनालिस्ट विद वन और मैनी प्रोग्रामर्स वर्क ऑन वन और मैनी प्रोजेक्ट्स, यानी बहुत सारे एनालिस्ट बहुत सारे प्रोग्रामर्स के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम कर सकते हैं। थैंक यू।